सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। आज हम लोग हमारा सेवन्थ पार्ट कवर कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का, जो कि हमारी एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड पार्ट है। तो पिछली वीडियो तक हम लोग 10 क्वेश्चंस कर चुके थे और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेशन सब कुछ समझ चुके हैं। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप पहले वो वाली वीडियोज़ देख लीजिए, ताकि यहाँ पर सब कुछ आपको आराम से अच्छे से समझ आए। ठीक है, उन सारी वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम लोग सीधा काम पे आते हैं और हमारी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं आज के लिए तो फर्स्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बैचुंग। तो बैचुंग नाम का कोई बच्चा है जिसके फादर जो हैं वो 26 ईयर्स यंगर हैं बैचुंग्स ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर से, मतलब बैचुंग के जो पापा हैं वो उसके बाबा से, मतलब उनके खुद के फादर से जो हैं वो 26 साल छोटे हैं, जबकि बैचुंग से वो 29 साल बड़े हैं। मतलब कि ये देखो, ये बैचुंग है, ये बैचुंग के पापा हैं और ये बैचुंग के बाबा हैं, मतलब कि बैचुंग के पापा के पापा। तो जो उसके पापा हैं बैचुंग के, वो उसके ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं, लेकिन इस बैचुंग से जो है वो 29 साल बड़े हैं। ठीक है, तो सबसे बड़े जो ग्रैंडफादर हैं वो उससे, ये फादर 26 साल छोटे हैं और बैचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ थ्री इज़ 135 ईयर्स। तीनों की एज जो है उसका सम 135 है। तो हमें तीनों की एज निकालनी है, बहुत सिंपल है। आप किसी की भी एक की एज को एक्स ले लो और उसके बिना पर बाकी दोनों की एज निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि क्वेश्चन में बैचुंग के रेफरेंस में सब कुछ दिया है। तो आप करोगे लेट, ये मैं बी लिख रहा हूँ बैचुंग की जगह, बैचुंग्स एज बी एक्स, बैचुंग की एज एक्स है, तो उसके फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर्स एज क्या आ जाएगी, फादर जो है बैचुंग के वो फादर्स की एज, फादर जो हैं बैचुंग के वो उससे कितने बड़े हैं, 26 साल बड़े हैं, तो उसके फादर की एज आ जाएगी x प्लस 29 साल बड़े हैं, 26 नहीं। और ग्रैंडफादर की बात करूं अगर, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी आ जाएगी, उसके ग्रैंडफादर जो हैं वो फादर से भी 26 साल बड़े हैं, तो इससे टोटल कितने साल बड़े हो गए, 29 प्लस 26, मतलब कि इसकी एज तो x प्लस 29 प्लस 26, तीनों की एज मिल गई मुझे। इसकी मैंने एक्स ली, इसकी एक्स प्लस 29 और इसकी ये कितनी आ रही है, 29 प्लस 26 का सम 55, एक्स प्लस 55 या 55 प्लस एक्स, उल्टा करके लिख सकते हो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो तीनों की एज मिल गई, तो इनका सम क्या है तीनों की एज का, एक्स प्लस 29 प्लस एक्स प्लस 55, तो इन तीनों का सम जो आया वो कितना आया, एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 55 में अगर मैं 29 जोड़ूंगा तो कितने आ जाएंगे, 55 और 30 85 माइनस 1 84। ये था एक तरीका जल्दी से कैलकुलेशन करने का। मुझे 29 दिख रहा था तो मैंने सोचा 29 55 हार्ड है, तो मैंने 55 में 30 जोड़ा, कितना आ गया सीधा सीधा 85, और मैंने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया 84। ठीक है, तो तीनों का सम आया 3x प्लस 84, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे गिवन है कि जो सम है वो है 135। तो मुझे क्या मिला कि 3x प्लस 84 जो मैंने वहाँ से निकाला था वो उस 135 के बराबर है। लीनियर इक्वेशन आपके सामने है, बस आपको सॉल्व कर लेनी है। तो 3x आ जाएगा 135 माइनस 84 के बराबर, मतलब कि 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 51 आ जाएगा। ओके, आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, 51 आएगा, दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एक्स इज 51 अपॉन 3, 17 ईयर्स। एक्स थी किसी की एज, बिल्कुल बैजू क्या था, बैचुंग की एज आ गई 17 ईयर्स ओल्ड, और उसके फादर की 17 प्लस 29 मतलब कि 46 ईयर, इसकी 17 ईयर, इनकी 46 ईयर, और ग्रैंडफादर में 55 जोड़ना था 17 में, मतलब कि 72 ईयर्स, ग्रैंडफादर की निकल गई, फादर की निकल गई, बैचुंग की निकल गई। सिंपल था बिल्कुल, हमें बस लीनियर इक्वेशंस को बनाने में दिमाग लगाना है, सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। देखो एक और सिंपल क्वेश्चन हमारे सामने, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रवि नाम का कोई एक लड़का है,
तो क्या होगा कि आज जो उसकी एज है ना, 15 साल बाद उसकी एज आज से 4 गुना हो जाएगी। मतलब कि अगर आज उसकी एज एक्स है तो 15 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, 4x। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो जो हमसे पूछा है व्हाट इज़ रवि'ज़ प्रेजेंट एज, उसको एक्स ले लेंगे। जब कुछ ना समझ आए तो शुरू तो करो, क्वेश्चन पेन चलाना शुरू करो, आंसर अपने आप आएगा। तो लेट रवि'ज़ प्रेजेंट एज बी एक्स, आज की उसकी एज एक्स हो गई। तो मुझे क्वेश्चन में तो ये गिवन है कि 15 साल बाद 4x हो जाएगी, लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से देखूँ तो 15 साल बाद एज कितनी होगी, आज जो है उसमें 15 जोड़ दूँ, मतलब आफ्टर 15 ईयर्स रवीज एज विल बी कितनी, 15 प्लस x या फिर x प्लस 15, कुछ भी लिख सकते हो, तो इतनी होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4 टाइम्स प्रेजेंट एज होगी, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 4x होगी एज, 4x, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है, 15 प्लस x। तो दोनों को इक्वल रख देंगे, सिंपल सी लीनियर इक्वेशन। x को यहाँ भेजोगे तो ये कितना रह जाएगा, 3x इज इक्वल टू 15। दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड किया, x आ गया 5 के बराबर। ठीक है, रवि की प्रेजेंट एज क्या है, 5 ईयर्स ओल्ड, और आज से 15 साल बाद वो 20 ईयर्स का हो जाएगा। 5 4 20, बिल्कुल मेरा आंसर करेक्ट है, मैंने समझ वो भी कर लिया वेरीफाई। ये रहा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हम लोग ये भी कर चुके हैं एक बार, कि एक रैशनल नंबर है कुछ इस तरह से कि अगर मैं उसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करूं और जो भी आंसर आए उसमें 2/3 जोड़ दूं तो ओवरऑल आंसर ये आएगा। तो फिर वही करेंगे जो अभी तक करते हैं, लेट द अननोन नंबर जो हमें नहीं पता है बी एक्स। क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर इस एक्स को मैं 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कि एक्स इंटू 5/2 कर दूं, और जो प्रोडक्ट आए, मतलब प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आए, उसमें 2/3 ऐड कर दूँ, लिखा है ना, एंड ऐड 2/3, तो आंसर आएगा -7/12। सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। पिछली बार मैंने इसको पहले सॉल्व किया था, अभी भी वही करेंगे। देखो ये क्या बन रहा है, एक्स इंटू 5/2, मतलब कि 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। तो सबसे पहले 2/3 को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 5x/2 इज इक्वल टू माइनस का 7/12 और माइनस का 2/3। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इंटू 4 करूँगा, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो 5x/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम बना दिया मैंने, 7/12 माइनस 2 4 8 और 3 4 12, -7 और -8। मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में रिवाइज करवाते टाइम 6th क्लास का, कि जब भी माइनस माइनस होगा तब आप क्या करोगे, या फिर प्लस प्लस भी होता, मतलब जब भी सेम साइन होगे तब आप ऐड करोगे और जो भी साइन दिख रहा है वही साइन लगाओगे। तो यहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 5x/2 इज इक्वल टू 7 और 8 15, लेकिन दोनों में माइनस लग जाएगा, /12। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और है, अब क्या करना पड़ेगा आपको, इस x को अकेला बचाना है तो दोनों साइड को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और x को इस 2 से भी बचाना है तो दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं दोनों को एक ही स्टेप में करके दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, एक स्टेप में भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। तो x जो आ जाएगा, यहाँ पर 5/2 है ना, तो उसी को पलट के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना होता है आपको, बस और कुछ नहीं है, ऐसे याद कर लो आप इसको, यहाँ 5/2 है तो इसको पलट के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 15/12 इंटू 5/2 है तो आप पलट के 2/5 मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो कैंसिल हो रहा है, 5 1 5 5 3 15, ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 6 12, ये भी कैंसिल हो गया, 3 1 3 और 3 2 6, तो सब कैंसिल होके एक्स आ गया माइनस का 1/2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चंस जो हैं थोड़े बड़े हैं, इसलिए मैं उनको स्क्रीन बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, वरना पूरे बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखने में वो क्वेश्चंस ही आ जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे और हम इनको सिर्फ सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर।
अभी आप अपनी स्क्रीन के राइट पर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन बैंक। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100, 50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि लक्ष्मी के पास जो हैं वो 100, 50 और 10 रुपए के नोट हैं। द रेशियो ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। तो हम लोग क्या ले लेंगे, देखो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग जो हमें सबसे पहले 100 रुपये के नोट दिए हैं उसको 2x ले लेंगे, फिर अगले नोट 50 के उसको 3x ले लेंगे और अगले वाले को ऐसे ही 5x ले लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। तो आगे देखते हैं। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ ₹4 लाख, 4 लाख रुपये उसके पास टोटल हैं। तो उसके पास सब करेंसी के कितने नोट्स हैं? 100, 50 और 10 के उसके पास नोट्स हैं, जिसमें से जो कि 2:3:5 के रेशियो में हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लेट 100, 50 और 10 है उसके पास, और क्या है 2:3:5 के रेशियो में। तो इसको आप ले लोगे 2x, इसको आप ले लोगे 3x, इसको आप ले लोगे 5x, है ना, यही रेशियो है ना। हाँ यही रेशियो है, 2x, 3x, 5x। और टोटल करेंसी हमें गिवन है 4 लाख, टोटल करेंसी गिवन है 4 लाख रुपए। इस तरह का क्वेश्चन भी, बल्कि इससे हार्ड वाला हम लोग कर चुके हैं पहले, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो अब देखो, अगर मेरे पास 100 रुपये का एक नोट होता तो मेरे पास कितने रुपये होते? 100 रुपये। अगर मेरे पास 100 रुपये के दो नोट होते तो मेरे पास कितने रुपये होते? 100 × 2, 200 रुपये। अगर मेरे पास 100 रुपये के 2x नोट्स हैं तो मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं? 100 × 2x। तो 100 रुपये से मेरे पास कितने पैसे बनेंगे? 100 × 2x। ऐसे ही 50 रुपये से मेरे पास कितने पैसे बनेंगे? 50 × 3x। और ऐसे ही 10 रुपये से कितने बनेंगे? 10 × 5x। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ तो मेरे पास टोटल जो पैसा है वो आ जाएगा, और टोटल मेरे पास कितना पैसा है? 4 लाख रुपये। तो 4 लाख किसके बराबर हो जाएगा? इस टोटल के बराबर। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करो, 100 × 2x 200x प्लस 50 × 3x 150x प्लस 10 × 5x 50x, ये सब किसके बराबर है? 4 लाख के। तो 200, 150 और 50, तो 50 + 150 200, और 200 और 200 400। तो यहाँ से 400x जो है वो आ गया 4 लाख के बराबर। तो 4 लाख आ गया 400x के बराबर। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 400 को इस x से दूर कर देंगे, तो दोनों साइड को 400 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 लाख जो है हमारा, इसको 400 से डिवाइड कर देंगे और ये इक्वल आ जाएगा x के। अब देखो, जब भी 0 0 ऐसे बनते हैं तो आप ज़ीरोज़ कैंसिल कर सकते हो लास्ट के। तो ये दोनों ज़ीरो इन दोनों ज़ीरो से कैंसिल हो गए, मेरे पास बचा 4000/4, और वो भी कैंसिल हो जाएगा। 4 × 1 = 4 और तीनों ज़ीरो एज इट इज़। मतलब कि मेरे पास बचा x की वैल्यू कितनी बची? 1000। और अब यहीं से मैं ये निकाल लूँगा, 100 रुपये के कितने नोट थे? 2x, मतलब 2 × 1000, मतलब 2000। 3 × 1000 हो जाएंगे 50 रुपीज़ के नोट्स जो हैं, 3000, और ये हो जाएंगे 10 रुपीज़ के 5000। तो इस तरह से हमने निकाल लिया कि उसके पास 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50 रुपये के कितने नोट्स हैं और 10 रुपये के कितने नोट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक जो कंपटीशन हो रहा है, इस कंपटीशन में, मैं सीधा क्वेश्चन रीड करने की जगह आपको बता रहा हूँ, विनर को मिलते हैं 100 रुपये और जो नहीं जीतता है कोई प्राइस उसे भी 25 रुपये दे दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे कुछ नहीं दे रहे हैं, उसे भी 25 रुपये दे रहे हैं। टोटल जो पैसा इन्होंने दिया है वो है 3000 और टोटल पार्टिसिपेंट हैं 63। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं लिख देता हूँ। विनर जो हैं, जो लोग जीत रहे हैं उन्हें 100 रुपये मिल रहे हैं, जो लोग नहीं जीत रहे हैं उन लोगों को मिल रहे हैं 25 रुपीज़। टोटल पार्टिसिपेंट
जो है वो है हमारे 63, और टोटल कितना पैसा बट गया? टोटल पैसा बटा है 3000, ठीक है? तो अब अगर हमें निकालना है कि कितने लोग विनर्स हैं और कितने लोग नॉन विनर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक को एक्स ले लेंगे। लेट विनर बी एक्स। मान लो कि टोटल एक्स लोग जो हैं वो विनर्स हैं, तो नॉन विनर्स कितने हो जाएंगे? टोटल जितने लोग थे उसमें से विनर्स माइनस कर देंगे, और टोटल कितने पार्टिसिपेंट थे? 63। तो क्या हो जाएगा, देन नॉन विनर्स विल बी, नॉन विनर क्या हो जाएंगे, 63 माइनस एक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या है कि देखो, 100 एक्स लोग तो जीते हैं, तो एक्स लोग को कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपये मिलेंगे। तो अगर एक्स लोग को 100 रुपये मिल जाएंगे, तो टोटल एक्स इंटू 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कैसे? देखो, एक लोग जीतता तो उसको 100 रुपये मिलते, 1 × 100। दो लोग जीतते तो दोनों को 100 100 मिलते, मतलब 2 × 100। ऐसे ही तीन जीतते तो 3 × 100, और एक्स जीते हैं तो एक्स इंटू 100, लोगों को एक्स जीतने वालों को 100 रुपये मिल गए। प्लस नहीं जीतने वाले कितने थे, 63 माइनस एक्स, इन 63 माइनस एक्स लोगों को मिल जाएंगे 25 रुपये, और यही वो टोटल रुपए हैं जितने डिस्ट्रीब्यूट हुए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये टोटल दिया है 3000 के बराबर। तो लीनियर इक्वेशन हमारे सामने बन गई है, हमें बस इसे सॉल्व करना है। तो देखो, एक्स इंटू 100, 100x प्लस 63 × 25, ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, भी कैलकुलेट नहीं कर रहा, और माइनस एक्स इंटू 25 मतलब -25x, ये बराबर है 3000 के। अब यहाँ से 100x में से ये 25x गए, तो कितना बचा, 75x। ये किसके बराबर है, 3000, और ये कहाँ गया, 63 × 25, दोनों साइड से मैं माइनस कर दूंगा, तो ये यहाँ पे आ गया 63 × 25। ओके, तो 75x जो आया, अब देखो 63 × 25 रफ में कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो देखिए रफ में कैलकुलेट कर लिया तो क्या आया, 1575। तो अब इसके बाद का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो 75x जो है वो आ जाएगा 3000 माइनस 1575, और ये क्या है, ये है 1425, और x क्या हो जाएगा, दोनों साइड को 75 से डिवाइड कर देंगे, तो 1425 अपॉन 75। अब मेरे को ये 5 से कैंसिल होते हुए दिख रही हैं दोनों चीज़ें, 5 × 15 है 75, 5 × 2 = 10, 4 बचे 42, 5 × 8 = 40, 2 बचे 25, 5 × 5 = 25। ठीक है, कैसे करता हूँ मैं ये भी आपको एक बार बता देता हूँ। ये 1425 लिखा था, मुझे इसे 5 से काटना था, तो पहले मैंने पहली चीज़ देखी, क्या ये 5 से बड़ी है, नहीं है, तो मैं दो टर्म्स ले लूँगा, 14, क्या ये 5 से बड़ी है, बिल्कुल। तो अब आपको 5 का टेबल पढ़ना है और उस मल्टीपल तक जाना है जो इससे 14 से छोटा या 14 के बराबर हो। तो 14 तो आता नहीं है 5 के टेबल में, लेकिन 10 आता है इससे पहले, तो आपने लिखा 5 × 2 = 10, फिर आपके पास क्या बचा, 4 बचा, तो आपने ये 242 कर लिया। अब 42 के लिए ऐसे ही करो, तो आप क्या कर लोगे, 5 × 8 = 40, फिर 2 बचा, और ये 5 एज इट इज़ समझ लिया आपने, और फिर 5 × 5 = 25, और 0 बचा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही करने की शॉर्ट ट्रिक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप यही करते ना, 1425 लिखा होता अगर, और 5 से ऐसे करते, तो पहले करते इन दोनों के लिए, 5 × 2 = 10, 4 बचते, 2 को उतारते 42 होता, 5 × 8 = 40, 2 बचते, फिर उस 5 को उतारते और 5 × 5 = 25 करके 0 कर देते। तो वही किया, लेकिन ये इतना लंबा लिखे बना बिना, तो हमारे पास ये बन गया 285। अब ये भी देखो कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा 15 से, 15 × 1 = 15, 13 बचे, 135 हुआ, 15 × 9 = 135, सीधा x की वैल्यू 19 आ गई। और x क्या लिया था हमने, हमने लिया था विनर्स लिया था x, तो विनर्स की संख्या हो गई x मतलब कि 19, और नॉन विनर्स की संख्या हो गई, नॉन विनर्स कितने हो जाएंगे, नॉन विनर्स हो जाएंगे 63 माइनस 19, और ये कितना होता है, 44। तो 44 लोग नॉन विनर्स हैं और 19 लोग विनर्स हैं, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म।
अगर इस वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ आया हो, वैसे तो सब कुछ सिंपल था, और अगर आपने पुराने वीडियोस देखे थे तो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ ना समझ आया हो तो एक बार पहले तो क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करें, और तब भी ना आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करी जाएगी, ठीक है। बाकी इस वीडियो को आपको पता है क्या करते रहना है, लाइक कमेंट शेयर, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।